बनाओ सर बड़ी खुशी की बात है। ए बातें नहीं सुनो कि हम लोग बड़ा अच्छा थॉट था। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ भूपेंद्र, संसार में एक ऐसे राष्ट्रभर निष्ठावान महापुरुष हुए जिन्होंने भारत के संविधान को निर्माण करने में अपनी निर्णायक भूमिका अदा की। इसके बारे में सबसे अच्छी जानकारी प्रोफेसर डॉक्टर एम वी पायलट फॉर्मर उन्हीं के सौजन्य से मैंने अपनी जानकारी प्राप्त की। भारतीय संविधान के बारे में जितनी विशेषताएं भारतीय संविधान की है उतनी विशेषताएं संसार के अन्य संविधानों में नहीं है। 32 प्रकार की विशेषताओं के बारे में इसका वर्णन उन्होंने किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया जितने भी पत्रिकाएँ हैं वे जितने भी राष्ट्रधर्म निष्ठावान महापुरुष हैं उन लोगों को प्रणाम कीजिए, उन लोगों की जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतारिए, उन लोगों की जीवनी को आप लोग भी अपने जीवन में उतारिए और अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होइए। मैं जिस पद पर आया हूँ उस पद पर आदरणीय प्रधानाचार्य के नेतृत्व में सक्रिय भूमिका निभाऊंगा। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कमी रहने न पाए आप लोग ईमानदारी और सच्चाई से परिश्रम कीजिए, सफलता आप लोगों को भी प्राप्त होगी। कोई उसके मन में भी भावना या पनपती है कि हम लोग भी उन्हीं के मार्ग पर चलें और उन्हीं लोगों की तरह हम लोग बने। यह उत्तराखंड देवभूमि है, तपोभूमि है, यहाँ पर तपस्या करने के लिए भारतवर्ष के विभिन्न भागों से लोग आते हैं, तपस्या करते हैं, अपनी जिंदगी को संवारते हैं, अपने करियर को संवारते हैं। आप लोग भी उसी का अनुसरण कीजिए। प्रधानाचार्य महोदय के कार्यकाल में आप लोग अपने अध्ययन को कीजिए, आप लोगों को सत्मार्ग ले चलने का प्रयास किया जाएगा, आप लोगों को असत्य से सत्य की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त होगा, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने में निर्णायक भूमिका अदा हम लोग करेंगे और हम ऐसी मृत्यु से अमृत की ओर भी ले चलेंगे ताकि अमरता का सिद्धांत यह कहता है कि मरने के बाद भी व्यक्ति को याद किया जाए। जैसे कुछ अध्यापक नारा लगा रहे थे महात्मा गांधी की जय, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जय, भीमराव डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति आप लोगों को अच्छी जानकारी दे तो वहां से प्राप्त कर लेनी चाहिए। कहीं से भी जानकारी मिले चाहे गांव में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे अन्य जगहों पर अच्छी जानकारी प्राप्त करने का जहाँ कहीं पर भी मौका मिले उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। और आप लोग भी अपने जीवन का निर्माण कीजिए, आप लोगों के करियर को संवारने में सभी अध्यापक बंधु हम लोग निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। यही संकल्प लेकर आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों को आमंत्रण देता हूँ, सभी अध्यापक बंधुओं को नमस्कार करता हूँ और प्रधानाचार्य महोदय के सौजन्य से यहाँ पर आने का मौका मिला उनका भी बहुत बड़ा उपकार मानता हूँ। भारत माता की जय। जितने भी राष्ट्रधर्म निष्ठावान महापुरुष हैं उन सबों की जय जयकार होवे, महादेवी महामाता की जय होवे और राष्ट्र अपने परम वैभव के ओर बढ़े, परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, इसकी परिकल्पना करते हुए मैं विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। जैसे आपको जीता है आज जो है 26 जनवरी और हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं 17वीं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और इतिहास तो आप पढ़ते ही रहते हैं किताबों में, आपने देखा होगा भारत जो है पहले कैसे अंग्रेजों के गुलाम में रहा, इन महान पुरुषों की देन से आज हमारा देश आज़ाद हुआ, उनके बलिदान और त्याग से आज हम जो हैं अमन चैन से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और किस प्रकार से हमारे भारत का संविधान बना, उन महान पुरुषों को जो संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यदि हमारा संविधान न होता तो क्या हमारा देश का जो ये गणतंत्र है, जो देश है वो कैसे चलता, उसका गठन कैसे होता, जो कानून बने हुए हैं भारतीय संविधान में, मौलिक अधिकार बने हुए हैं वो कैसे रहते, मानव अपने विकास कैसे करता, राष्ट्र आगे कैसे बढ़ता, ये सारी अर्थव्यवस्था के रूप में जो देश आगे बढ़ रहा है वो भारतीय संविधान के द्वारा ही भारत देश आगे बढ़ रहा है। उन महान पुरुषों को मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ, हम याद करते हैं उन महान पुरुषों को जिन्होंने हमारा देश जो है आज़ाद किया, हमारे देश को जो है आगे बढ़ाने का काम किया, उन महान पुरुषों के
संस्पर्श को लेकर के उनका अनुग्रहण करके हम लोग जो है आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और सच्चे जो है हम सच्चे रूप से हमारे छात्र जो हैं उनकी प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और प्रयास करने के साथ साथ अच्छी ढंग से पास हों, अच्छे मार्गदर्शन प्रदर्शन करें, आगे बढ़ें और राष्ट्र का मान सम्मान बढ़ेगा। मकान तो हमने 1947 में बना दी थी, उससे जो है हम लोग जो है जो घर बसा बोलते हैं वो हो 1950 आजाद हम हो गए थे, मकान बना दी उसका सब रंग रोगन सब कुछ हो गया, लेकिन उससे जो है हम आए हैं कब 1950, यानी हमारा जो आज़ादी के बाद का जो कानून बनाने का जो सफर रहा वो आप लोग जानते हैं।